सो हेलो आपजी फैमिली यार, कैसे हो सारे? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ अमेजिंग ट्रिक्स के एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट को करने के लिए आपको आ जाना है भाई कटोल स्तंभ स्टार के पास, और कुछ इस तरीके से एक ग्लोअल लगा देना है। उसके बाद सिंपली टायर के ऊपर जंप करके आपको घर के ऊपर आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको एक और ग्लोअल कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। और इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपको टायर के ऊपर जंप करना है। तो आप लोग एक बार जंप करके कुछ इस तरीके से अटक जाओगे, और उसके बाद आपको सिंपली ग्लोअल को तोड़ देना है। तो उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोग भाई टायर के ऊपर इजीली खड़े रह पा रहे हो। तो ऐसा भाई नॉर्मली बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स लोग भाई कितना भी ट्राई कर लेना तो भाई ये ऐसा कर ही नहीं सकते। ट्रिक नंबर टू को करने के लिए आपको भाई सोशल जोन में आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको सीट बटन और लेफ्ट और बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो आपको बहुत ही जल्दी दोनों बटन को प्रेस करना है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से भाई उल्टा बैठ जाओगे, आप लोग जिस भी डायरेक्शन में खड़े रहोगे उसी डायरेक्शन में बैठ जाओगे कुछ इस तरीके से। ये देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा फनी दिखता है यार। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो ट्रिक नंबर थ्री भाई कोई ट्रिक नहीं होने वाली, ये एक गेम का फीचर है। तो आप लोग भाई देखो, बहुत बार आपके पास भाई एक्स्ट्रा लूट आ जाते होंगे, तो उसको भाई एक एक करके ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसके लिए आप बहुत ही छोटे से फीचर का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली ऊपर इस एरो पे टच करना है, तो आपका बैग भाई पूरी तरीके से अरेंज हो जाएगा। आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से भाई मेरा बैग यहाँ पे असेंबल हो चुका है, सारी चीज़ें एक सीरीज़ में लग चुकी है। तो मैं एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सारा लूट ड्रॉप करके वापस से उठा लिया है, और फिर मैं यहाँ पे जैसे शेरों पे टच करूँगा तो यार देखो मेरी बैग अच्छे से अरेंज हो चुकी है। सो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर फोर होने वाली है मलेशिया में, और आपको भाई इस वाले घर के सबसे ऊपर आ जाना है टायर से ऊपर जंप करके। और फिर आप लोग जैसे ही टायर पर जंप करोगे ना कुछ इस तरीके से भाई आपको यहाँ पर डैमेज पड़ेगा, जो कि यार कहीं भी नहीं होता। टायर पे जंप करने से कहीं डैमेज पड़ता है क्या? तो यार देखो यहाँ पे डैमेज पड़ता है टायर पे जंप करने से। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फाइव की। तो इसको करने के लिए आपको भाई जिस भी करेक्टर के साथ ट्रिक करना है उस करेक्टर को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेना है। इसके बाद आपको करेक्टर सेक्शन में चले जाना है, और यहाँ पे आपको जिस भी करेक्टर का एक्टिव स्किल चेंज करना है सिंपली उस करेक्टर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रोनो के साथ करने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको इस करेक्टर का किसी भी एक स्लॉट को खाली कर देना है, और वापस से उसमें किसी भी एबिलिटी को लगा देना है। तो इतना करने के बाद आपको भाई सिंपली वापस से उसी करेक्टर को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आपने ग्रुप बनाया था। तो मैं यहाँ पे वापस से वुकॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद कट कर दिया हूँ। तो इसके बाद आपको सिंपली मैच को स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप लोग मैच में जाओगे आपका भाई करेक्टर स्किल चेंज हो चुका होगा। आप लोग क्लियरली देख सकते हो भाई यहाँ पे करेक्टर का फेस वुकॉन्ग का है, लेकिन एबिलिटी मैं क्रोना का यूज कर पा रहा हूँ। अपने फ्रेंड लोग को यार बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो, सिंपल सी ट्रिक है। आप लोग यार फिर से देखो यहाँ पे वुकॉन्ग में आलोक एबिलिटी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर सिक्स की। इसके लिए आपको लैम्बोर्गिनी चलाना, और आपके फ्रेंड को बोलना कि वो बाइक से स्पीड से कुछ इस तरीके से टक्कर मारे, तो आप लोग भाई जमीन के अंदर आ जाओगे। यहाँ फुल मैप में तो हम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ को आपको ट्रेनिंग में करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है भाई, ऐसा जैसे आप लोग टक्कर मारोगे आप लोग भाई ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चले जाओगे। और यार अंदर देखो कितना ज़्यादा मस्त व्यू मिल रहा है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको सिंपली कार को ड्राइव करना है और रिसेट बटन को टच करना है। सो बात करते हैं ट्रिक नंबर सेवन की। इसके लिए आपको रेल रोड में आ जाना है, और दो ग्लोअल कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसा कि मैंने लगाया है। और इसके बाद सिंपली आपको सीढ़ी के हेल्प से ग्लोअल के ऊपर चढ़ जाना है। तो जैसे आप लोग ग्लोअल के ऊपर आ जाओगे, और यहाँ से आपको दूसरे ग्लोअल के ऊपर भी आ जाना है, और यहाँ से एक जंप करके आप लोग ट्रेन के ऊपर आ जाओगे। और यहाँ आने के बाद आपको भाई ट्रेन के पूरे कॉर्नर में आना है और कुछ इस तरीके से ग्लोअल लगाना है। आप लोग कॉर्नर में आके ही ग्लोअल लगा पाओगे ऐसे। तो फिर ग्लोअल के ऊपर चढ़ने के बाद आपको सिंपली आगे इस घर के ऊपर जंप कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर टोटल तीन ग्लोअल लगेगा। तो यहाँ पे इस घर पे आने के बाद आपको सिंपली आगे जाना है और यहाँ पे एक और जंप करना है। तो आप लोग इस घर वाले घर के ऊपर आ जाओगे, और यहाँ से पीछे की साइड आने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे आप लोग इजीली प्रोन करके आराम से रैंक पुश कर सकते हो। आप लोग को बहुत ही अच्छा कवर मिल जाता है यहाँ पे। तो यार रैंक पुश करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर एट को करने के लिए आपको मैक्लेरन लेके स्नोफॉल में आ जाना है, और इस घर के पास आने के बाद कुछ इस तरीके से मैक्लेरन लगाने के बाद एंटर करके गेट आउट करना है। तो आप लोग इस घर के अंदर आ जाओगे, और यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे से रैंक पुश कर सकते हो। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है, तो बहुत बार एनिमी आएंगे, तो आप लोग भाई जंप करके बहुत ही इजीली किल भी कर सकते हो एनिमी को। एनिमी को बिल्कुल पता नहीं चलने वाला यार कैसे आप लोग उसको किल करती है। और यहाँ से आप लोग जो एसटी को पकड़ के जंप करोगे तो इजीली बाहर भी आ जाओगे। सो ट्रिक नंबर नाइन की बात करें तो ये होने वाली वेंटेज में आपको इस वाले लोकेशन पर आ जाना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से जंप करके इस डब्बे के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप लोग हाइड हो जाओगे, किसी भी साइड से कोई भी चांस नहीं है एनिमी आपको देख पाए। तो बहुत ही इजीली आप लोग रैंक पुश भी कर सकते हो यार, बहुत ही सेफ प्लेस है रैंक पुश करने के लिए, बहुत ही ईजी भी है। और इस साइड से जंप करके आप लोग बहुत ही आराम से बाहर भी आ सकते हो यहाँ से। सो ट्रिक नंबर टेन को करने के लिए आपको सबसे पहले मोको करेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको आना है करेक्टर सेक्शन में, और यहाँ पे आपको
डेसा करेक्टर को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग डेसा को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको कपिला करेक्टर को सिलेक्ट करना है। तो इतना करने के बाद आपको वापस से मोको करेक्टर को सिलेक्ट करना है और कट कर देना है। तो जैसे आप लोग भाई यहाँ पे देख ही सकते हो, मोको करेक्टर का भाई फेस किस तरीके से चुड़ैल की तरह दिख रहा है भाई, कितना ज़्यादा फनी दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सी स्टेप है यार, आप लोग ट्राई कर सकते हो, और ये ट्रिक सिर्फ फ्री फायर मैक्स में वर्क करती है। सो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।